करनाल में एक हादसे का मामला हत्या में बदल गया। रंजिश के चलते मारने के लिए किसी और को आए थे और हत्या किसी और की हो गई। दरअसल 10 सितंबर को रोजाना की तरह रॉबिन और अरविंद खाना खाने के बाद सैर के लिए निकले थे। एक गाड़ी उनका पीछा कर रही थी और दोनों को हिट करके गाड़ी फरार हो जाती है। रॉबिन और अरविंद इस हादसे में दोनों घायल हो जाते हैं। इलाज के दौरान रॉबिन की मौत हो जाती है और अरविंद का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। रॉबिन के परिवार वाले पुलिस अधीक्षक से मिलते हैं, मामले की जांच के लिए कहते हैं और जांच CIA 1 को सौंपी जाती है। CIA 1 की टीम साइबर सेल की मदद लेती है, CCTV फुटेज खंगालती है और घायल अरविंद से पूछताछ करती है और पूछताछ में अरविंद ये बात साफ करता है कि उसकी राजू बटला नाम के किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, जिसके बाद राजू बटला से पूछताछ शुरू होती है और पूछताछ में वो पुलिस के सामने इस बात को कबूल कर लेता है कि उस दिन गाड़ी वही चला रहा था और हत्या उसी ने की है। वो अरविंद को रंजिश के चलते मारने आया था क्योंकि मेरा और अरविंद प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, पर गाड़ी से दोनों को टक्कर लग जाती है और रॉबिन की मौत हो जाती है। उस वक्त गाड़ी में राजू बटला के साथ नीरज और गौरव भी मौजूद था और गाड़ी नीरज की थी जिसकी नंबर प्लेट उन्होंने उतार दी थी ताकि CCTV कैमरों में गाड़ी की पहचान ना हो सके। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों और गाड़ी को बरामद कर लिया है और कल कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा और केस से जुड़ी हुई और जानकारी जुटाई जाएगी। भले ही आरोपी गिरफ्त में आ गए हों, लेकिन एक घर का 23 साल का चिराग जिसका इसी महीने जन्मदिन था वो चला गया, वो अब वापस नहीं आएगा। ना उसकी कोई रंजिश थी और ना ही उसका किसी से कोई वास्ता, लेकिन किसी और दो लोगों की रंजिश का अंजाम रॉबिन को अपनी जान के साथ देना पड़ा। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद, ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियाँ बढ़ाए। जैसे कि आपको गया था 10 तारीख को एक एक्सीडेंट का मामला सिविल लाइन में दर्ज हुआ था जिसमें दो लड़कों को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी जिसमें एक लड़के की डेथ हो गई थी, जो अगले दिन फैमिली ने ये संशय किया था कि हमने एक्सीडेंट ना हो गए, मर्डर लगता है। जो इस केस की गंभीरता को देखते हुए SP साहब ने ये केस CIA 1 में ट्रांसफ़र किया था और हमने अपने इन्वेस्टिगेशन पाने के बाद हमने दर पर दर इसकी इन्वेस्टिगेशन की, टेक्निकल असिस्टेंस की, अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेवलप किया और उसकी वजह से आज हमने 3 युवकों को अरेस्ट किया है। अरेस्ट होने के बाद जो वारदात में गाड़ी यूज़ की थी वो गाड़ी बरामद कर रही है, जो बेसिकली एक्सीडेंट का मोटिव नहीं था, मर्डर का मोटिव था। मर्डर की धाराएं ऐड करके इसको मर्डर में हमने अरेस्ट किया है। तो सर, शुरुआती जांच में क्या पूछताछ में खुलासा हुआ? फिलहाल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आया, बाकी और रिमांड ले जाकर गहनता से पूछताछ की जाएगी। तीनों को कहां से गिरफ्तार किया? KR सिनेमा के पास से। तो सर क्या कार्रवाई की जाएगी? इनको कल कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और सारी कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ किया जाएगा। सर कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? अभी फिलहाल प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिमांड लेने के बाद की जाएगी। तो मेन उद्देश्य सर क्या निकल के आया? अभी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आया पूरा, पहले कहना थोड़ा प्री मैच्योर होगा और इन्वेस्टिगेशन डिटेल में की जाएगा फिर बताया जाएगा। सर मामला एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, क्या मामला था? 10 तारीख को एक अज्ञात गाड़ी ने दो युवकों का एक्सीडेंट कर दिया था। एक्सीडेंट में एक युवक की डेथ हो गई थी, एक सीरियसली इंजर्ड हुआ था। तो फिर फैमिली ने अगले दिन SP साहब से मिलकर कि ये मर्डर का संशय जाहिर किया था कि एक्सीडेंट ना होकर शायद हत्या है। जो केस की गंभीरता को देखते हुए SP साहब ने ये केस CIA 1 में ट्रांसफ़र किया था और आज हमने 3 अक्यूज को गिरफ्तार किया। मोटिव मर्डर का इसमें सामने आया और जो मोटिव था वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का निकल गया। घंटे में CIA 1 ने जो गुत्थी सुलझाई है, तो आज 10 का मामला, आज हमने इनको अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में भेजा, रिमांड लिया जाएगा।